कहते हैं कुछ करने का जज्बा हो तो उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है और पूरी दुनिया उसके पक्ष में खड़ी हो जाती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है राजस्थान की बहू और हरियाणा की बेटी मोनिका ने, जो एथलीट में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के बाद माउंटेनिंग में भारत की 17,000 मीटर की ऊंचाई तक चढ़कर नाम रोशन किया। अब मोनिका आने वाले समय में एवरेस्ट के साथ विश्व के सभी महाद्वीपों की सबसे अधिक ऊंची चोटियों को फतेह करेगी। एवन टीवी से खास बातचीत में मोनिका ने अपनी यात्रा को लेकर कई बातें शेयर की। लड़कियों का लगातार खेलों में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे ही हमारे साथ एथलेटिक्स और माउंटेन खिलाड़ी जो हमारे साथ मौजूद है मोनिका, उनसे बात करना है किस प्रकार इनकी उन्होंने शुरुआती दौर में कहाँ से शुरुआत की और किस प्रकार के जो संघर्षशील वो देखने को मिले। सर, मैंने एथलेटिक्स जब मैं थर्ड क्लास से थी बचपन से ही शुरू की है, उसके लिए मुझे पहले वही बेसिक से शुरू करना पड़ा, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा, बाहर रहना पड़ा, घर से बाहर रही मैं, स्टडी को थोड़ा पीछे छोड़ के गेम में इम्प्रूवमेंट के लिए मैं बाहर रही, रूम लिया और अदर अदर कोर्स से मैंने प्रैक्टिस के लिए वो प्रैक्टिस करी, उनसे हेल्प ली, तब जाके मैंने थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया अपने में। हरियाणा सरकार ने इस दौरान किस प्रकार की मदद की आपकी? हरियाणा सरकार से मुझे काफ़ी मदद मिली है, जैसे हमारे हरियाणा सरकार ने नेशनल लेवल पे अगर कोई बच्चा मेडलिस्ट होता है, पोजीशन निकालता है, तो जैसे गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज वगैरह, तो उसके अकॉर्डिंग गोल्ड का अलग से कैश प्राइज है, कैश अवार्ड देते हैं, सिल्वर का अलग, ब्रॉन्ज का, तो मुझे वहाँ से भी काफ़ी अवार्ड भी मिले हैं, कैश प्राइज मिले हैं, स्कॉलरशिप मिली है और डाइट का अलग से मिलता था पर महीने का, और नर्सरी वगैरह में बहुत हेल्प मिली होंगी। इस दौरान क्या सरकार से और मदद मिल रही है, कहीं और से मदद मिल रही है इसमें? नहीं, फिलहाल तो कोई मदद नहीं मिल रही है। वैसे मैं राजस्थान गवर्नमेंट से आशा करती हूँ कि वो मेरी हेल्प करे, मुझे स्पॉन्सर करे, और जो हमारे राजस्थान से कंपनियाँ वगैरह जो ये स्पॉन्सर करती हैं उनसे भी मेरे को थोड़ा है उम्मीद कि हाँ वो लोग मेरी हेल्प करेंगे, स्पॉन्सर करेंगे, तो शायद मैं कर पाऊँगी। खेलों में लड़कियों को और समाज को किस का संदेश देना चाहोगे आप? खासकर मैंने देखा है राजस्थान में मैं आई हूँ, तो राजस्थान के कल्चर के अकॉर्डिंग जो मैंने देखा है कि लड़कियाँ स्टडी तो करती हैं लेकिन मैंने स्पोर्ट्स में नहीं देखा राजस्थान में। मैंने मोस्टली जैसे हमारे हरियाणा में हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 10-10 स्टेडियम है गांव में, पर गांव में अगर जाओगे एक दो गांव छोड़ने के बाद स्टेडियम आपको कंपलसरी मिलेगा, तो लेकिन मुझे यहाँ राजस्थान में आके देखा तो स्पोर्ट्स का वो स्कोप नहीं है, ना कोई फील्ड है, ना कोई गांव के बच्चों के लिए तो कोई फील्ड है ही नहीं यहाँ पे। कि मैं आशा करती हूँ अगर हाँ मैं कर पाई तो अपने साथ जो भी हो सका लड़कियों को अपने साथ रखूँगी और उनको भी आगे बढ़ाऊँगी। तो ये थी एथलेटिक्स और जो माउंटेनिंग खिलाड़ी जो हाल ही में कुछ ही दिनों बाद में दक्षिणी अफ्रीका की सबसे ऊँची चोटी पर उनकी फतह हासिल करने के लिए जा रही है। जयपुर से कैमरामैन विजय गिरी के साथ लोकेश 16 A1।